मेरा खाना बन के रेडी हो गया और पति देव से पूछते कैसा लगा पति देव खाने में? अच्छा है सही में? अच्छा है। क्या अच्छा है? लौकी और दाल की सब्जी, चने दाल की सब्जी कि सारा खाना अच्छा है? चावल बहुत अच्छा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। जी हमें निकलना है मार्केट और पत्नी महारानी का इंतजार है, कब ये निकलेगी? बस निकलेंगे, कपड़े ढूंढ रहे, कपड़ा देना है टेलर को। बहुत बढ़िया, तो जल्दी ढूंढो और निकलो। और यहाँ देख रहे होंगे मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, इसकी जिम्मेदार जैसे ही हम काम करके उठे तुमको सब कुछ ठीक कर देना चाहिए था। नो गॉड प्लीज नो नो। वो जस्ट उठे, वो कितना बोले कि हमको बाहर जाने का, तो जल्दी करो निकलते हैं अब। 5 मिनट, 5 मिनट भूल भी जाएंगे क्या क्या लेना था हमको। तो अभी तो कुछ देर पहले लिखी थी, फिर भी भूल जाएगी। नहीं वो नहीं लिखी, कौन कौन से कपड़े चाहिए वो तो नहीं। बहुत बढ़िया। A few moments later. वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लटक मत पटक दूंगा। मेरे लिए है, बहुत बार लटके हैं हम। बहुत बढ़िया, चलो आप। जी हम लोग आए हैं टेलर के पास और इस रास्ते में तो पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम लोग ये जो आड़ है इस आड़ पर चल रहे हैं। संभल के चलना, गिरना मत। गिरी तो नेचुरल मेकअप हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ संभल के, अच्छा खा लो मछली फिर। संभल के संभल के। कहाँ है? हो गया तुम्हारा काम? चलो फिर। और जिया का काम हो गया है, काफी खतरों से खेलकर जिया अपना कपड़ा सिलवाने दिए है। अब आगे भी कुछ लेना है कि तुम्हारे तुम्ही को सामान लेना है क्या है? और ये रहा हमारा बाइक और अब चलते हैं। ये जी हम आ गए हैं भोला मिष्ठान, यहाँ पर कटिहार का सबसे बेस्ट समोसा मिलता है। उसी पर ही आ रहा है। तो जी हमारा समोसा आ गया है और अभी हम भोला मिष्ठान और यहाँ का जो समोसा है कटिहार का, बचपन से जब भी समोसा खाते थे हम लोग यही आकर के खाते थे। पता नहीं हर जगह समोसा खा लिया, चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, कहीं भी खा लिया हमने, चाहे उत्तराखंड में हो, यहाँ जैसा समोसा मुझे कहीं लगा ही नहीं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सबका ओपिनियन यही है कि पता नहीं यहाँ के समोसे में क्या है जो इतना अच्छा लगता है। और ये जिया के लिए आ गया समोसा चाट। वीडियो आ गया, आप भी आ गए वीडियो में, थोड़ा सरसों का चटनी भी दे दीजिए। थोड़ा सा हमको भी मिलेगा कि नहीं? आप अपना समोसा डालो। समोसा खाने के बाद ये नहीं मिलेगा खाने को? खा लेगी अकेले, देखते हैं। जी दिया तो ये खा नहीं पाई चाट, उसको तीखा लग गया। तो जी आप डोसा मंगाई है तो डोसा खा रही है और हम यहाँ पर चाट खा रहे हैं इसका। समोसा तो अपना खाए ही, समोसा आप मंगाए थे, चाट हम मंगाए थे, ये भी दिखा नहीं लग जाए। नहीं ये कभी नहीं, हमें बहुत पसंद है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि हम थे भोला मिष्ठान में, उस वो जहाँ समोसा खा रहे थे, तो सब कुछ खा करके निकले, पॉकेट में देखिए तो कैश एक भी नहीं। हमने सोचा UPI पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वहाँ UPI पेमेंट नहीं लेते हैं। तो शुक्र रही उन लोगों का जो उन लोगों ने कहा कि जाइए आप बगल के ATM से पैसे ले आइए। तो जी अब पैसे निकल गए और चलते हैं, अब उनके पैसे दे देते हैं। और अभी जो हम खड़े हैं कटिहार के मेडिकल कॉलेज के पास।
तो कभी इस कॉलेज के अंदर भी जाएंगे, आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल अभी घर चलते हैं और घर से पहले उसको पे कर देते हैं। जी अब हमने पेमेंट कर दिया और अब चलते हैं घर, वैसे भी बहुत देर हो गई है। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैडम का बन रहा है चाय। नाश्ता लग गया तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं वहाँ पर नाश्ता करना है ना, तो जाते हैं वहीं पर डायरेक्ट। और जी ये रहा मेरा नाश्ता। जी मैं जा रहा हूँ आज सैलून, बहुत दिन हो गए हैं बाल कटवाए हुए, तो आज बाल कटवाऊंगा। अरे चंदन माँ है बे, हो गया भाग्य। कैमरा के पीछे रहने वाले इंसान। जी अभी अभी जो आपने देखा होगा आगे से एक बुलेट लेकर के आ रहा था, वो यही लड़का था, मेरा दोस्त है ये। और ये पास में देख लिया, ये ओसोमो लगा हुआ है, तो इसको लगा गोप्रो है, तो कहता है गोप्रो लगा करके रखा है। तुम्हें नमूना लग रहे होंगे ना बहुत ज्यादा, हम बड़ा हम लग रहे हैं। नहीं नहीं तुम ठीक है, पता भी नहीं चला, हम रुके तब पता चला भाई। जरूर हम सोचते थे क्या कि मुझे पूछेगा ना क्या है, हम सोचते थे बोलेंगे क्या हड्डी टूटा हुआ है। इसीलिए ये सब बैंडेज किया हुआ है। कल भी देखे थे कहीं, लेकिन कल कहाँ देखा। बार इनके भी घर चलेंगे और आंटी जी, सच में आंटी जी के पास जब भी जाते हैं वो कहती है बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। A few moments later. जी हम गए थे सलून, सलून में तो काम हुआ नहीं। और यहाँ देखिए मैडम क्या कर रही है, क्या बन रहा है आज? दाल की सब्जी बना रहे हैं। दाल कद्दू की सब्जी? हाँ, तो आपका काम नहीं हुआ, आप कब होगा? अब जाएंगे बाद में, बहुत भीड़ था वहाँ सलून में इसलिए हम नहीं गए वहाँ। रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। चलो तो आप मोबाइल दो हमको, तो आप जाओ अपने काम पे और हमको मोबाइल दे दो। कद्दू दाल बनाने के लिए कद्दू को ऐसे बारीक काट लिया है, इसको हम डालेंगे कुकर में। और चाहिए हमें चना दाल, चना दाल को 2 घंटा पहले हम भिंगो के रखे हैं, उसको भी डाल देंगे कुकर में। और इसमें डालेंगे अब हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कच्चा प्याज और थोड़ा सा लहसुन। और इसमें डालेंगे पानी। अब कुकर को करेंगे बंद, तो मैंने चढ़ा दिया गैस पे और 3 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। इसमें 3 सीटी लग गया और गैस को करेंगे बंद, को आराम से खुलने देंगे। जब अच्छे से खुल जाएगा फिर इसमें छौंक लगाएंगे, हरा मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, बचा हुआ जो प्याज था उसको भी डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। हम पहले भी नमक डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब कटा हुआ टमाटर अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा नमक डालने से आपका टमाटर जो है अच्छे से गल जाएगा। तब तक फ्राई करें जब तक आपका टमाटर अच्छे से गल नहीं जाए। टमाटर बड़ा अच्छे से गल गया है और ये रहा कद्दू दाल जिसको हमने उबाला था। और इसमें और इसके ऊपर हम डालेंगे अब थोड़ा सा गरम मसाला। गैस को करेंगे बंद। सब्जी बन के तैयार हो गया हमारा लौकी और चने दाल की सब्जी। खाना बन गया। और पति देव यहाँ क्या कर रहे हैं? पति देव कुछ कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं। तो पति देव एडिटिंग कर रहे हैं अपना और उसके लिए म्यूजिक सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट डे ब्लॉग आएगा उसके लिए। तो हमको बोले थे कि 12 बजे तक अपना काम कम्प्लीट कर लेंगे और यहाँ 11 बजने को चला, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी भी 12 बजने में 1 घंटा बाकी है।
अच्छा हाँ, कैमरामैन यहीं पे रहेगा और देख के हम बताएंगे 12 बजे कंप्लीट होता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 12 बजे देखते हैं। अब हम लगाएंगे डैडी का खाना। ये लग गया डैडी का खाना और हम जा रहे हैं अब देने के लिए। खाना बन के रेडी हो गया और पति देव से पूछते हैं कैसा लगा पति देव खाने में। अच्छा है सही में। अच्छा है। क्या अच्छा है? लौकी और दाल की सब्जी, चने दाल की सब्जी, कि सारा खाना अच्छा है? चावल बहुत अच्छा है।